द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेटिंग टू फॉर्चून इंडिया लिमिटेड हैविंग टू डिविजन विज फार्मा डिविजन एंड द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिविजन. तो एक कंपनी है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, उसके दो डिवीजन है, एक डिवीजन का नाम है फार्मा डिवीजन, दूसरे डिवीजन का नाम है एफएमसीजी डिवीजन. फार्मा मतलब जिसमें दवाइयाँ होती हैं और एफएमसीजी मतलब जिसमें आप मैगी नूडल्स है ना ये पिज्जे विज्जे मान लो, मतलब पहले तो बंदा बीमार करता है उसके बाद दवाइयाँ बेचता है, क्या दिमाग है. पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड इज कंसिस्टिंग ऑफ 3,000 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच. तो जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है उसके पास कितने शेयर्स है, 3,000 लाख शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर एक रुपये का एक शेयर है. फॉर्चून इंडिया लिमिटेड डिसाइडेड टू डिमर्ज फार्मा डिवीजन एज फॉर्चून फार्मा लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2009. डिटेल्स ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31/3/2009 एंड ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड एज ऑन 1/4/2009 इज आर गिवन एज फॉलोज. तो जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है जिसके अंदर दो डिवीज़न है, वो चाहता है कि उसका एक डिवीज़न ये जो फार्मा डिवीज़न है इसको हटा करके एक एक सेपरेट इसकी कंपनी बना दे. और एक कंपनी कब से बना दे, 1/4/2009 से एक सेपरेट कंपनी हो जानी चाहिए, ठीक है. तो जो फॉर्चून फार्मा की जो फिगर दे रखी है ये एक अलग कंपनी की फिगर है, ठीक है. और ये कब की फिगर है, 1/4/2009 की फिगर है. और ये फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की फिगर है ठीक एक दिन ठीक पहले, अलग होने से एक दिन ठीक पहले की, यानी ये 31/3/2009 की है. यानी ये क्या है, ये कंबाइंड फैमिली है और ये न्यूक्लियर फैमिली है. मजाक कर रहा हूँ, ये कंबाइंड फैमिली जनरल जैसे चाचा मामा सब इकट्ठे भाई बहन मिल करके रहते ना, ये वो है, ये छोटी छोटी फैमिली, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली मैंने इसको बोला, ये अलग हो गया अब अपनी कंबाइंड फैमिली से. वो इसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है और एसेट्स दे रखी है. देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है, इसका मतलब कतई ये बिल्कुल नहीं है कि इसको तुम बैलेंस शीट मान लो, ये बैलेंस शीट नहीं है. और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, डेफर्ड टैक्स है, ठीक है, समझ लो उसको. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड ऑफ ₹1 ईच विदाउट एनी कंसीडरेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड. फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड. अब ये फॉर्चून फार्मा ये अलग हुआ है तो ये शेयर तो इशू करेगा ना, किसको इशू करेगा, ये फॉर्चून इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगा, ठीक है, और उसके बदले में उनसे कोई पैसा नहीं लेगा. अब देखो ये ऐसा क्यों होता है डीमर्जर के केस में, क्योंकि डीमर्जर के केस में जो एक शेयर थी उसकी वैल्यू फार्मा और इंडिया दोनों को कंबाइन करके थी, ठीक है, शेयर होल्डर ने उसके ऑलरेडी पैसे फॉर्चून इंडिया को दे रखे थे. अब ये डिवीजन फार्मा डिवीजन चूंकि अलग हो गई तो क्या इसके शेयर लेने के लिए इसको अलग से पैसे थोड़े देने पड़ेंगे, इसके पास जो शेयर हैं उसने ऑलरेडी शेयर के बदले पैसे दे रखे ना, इसलिए बंदा ये फॉर्चून फार्मा को इससे पैसे नहीं लेगा बल्कि इसको फ्री में अपने शेयर इशू करके दे देगा. ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स एट बुक वैल्यू, कि जो फॉर्चून फार्मा जो फॉर्चून इंडिया जो लिमिटेड है वो अपने जो लाइबिलिटीज और जो बुक असेट्स है उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देगा फॉर्चून फार्मा लिमिटेड को. फार्मा डिवीजन के जो असेट्स और लाइबिलिटीज होंगे उनको बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र कर देगा फॉर्चून फार्मा लिमिटेड को. और जो 2000 जिस दिन ये अलग हुआ है फॉर्चून फार्मा लिमिटेड उस साल का जो इनका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है फॉर्चून फार्मा का वो कितने का है, 1,470 लाख का. और फॉर्चून इंडिया का कितना है, 11,400. फॉर्चून इंडिया मतलब इसमें सिर्फ एफएमसीजी रह गया, ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ एफएमसीजी का है और ये फार्मा का है, ठीक है, एक साल का. और पी रेशियो दे रखा है फॉर्चून फार्मा का पी रेशियो दे रखा है 24.5 का और एवरेज पी रेशियो दे रखा है एफएमसीजी का 42 का और फार्मा सेक्टर का 25 का. अच्छा ये मार्केट प्राइस है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये मार्केट प्राइस है 24.5 क्या है मार्केट प्राइस फार्मा का और पी ई रेशियो एफएमसीजी का 42 है और फार्मा का 25 है. अब हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है हमें. अब देखो एक्सचेंज रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने इशू किए प्लस जिस पार्टी को इशू किए हैं उस पार्टी के पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, यही होता है ना. अब देखो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर तो हमें पता है कि जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है उसके 3,000 लाख शेयर्स हैं, ये फिगर तो हमें पता है. ये 1500 वाली फिगर है उसने कितने नंबर ऑफ़ शेयर इशू किए ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू किएंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे तभी हमारा एक्सचेंज रेशियो हो पाएगा. तो नंबर ऑफ़ शेयर्स
का फॉर्मूला क्या होता है? देखो नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में को अगर हम ईपीएस से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें पता है कि जो फॉर्चून फार्मा है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना, 1470 लाख का है, तो 1470 लाख तो हमने यहाँ पर लिख दिया, बट ईपीएस हमें नहीं पता है। अच्छा, ईपीएस को निकालने का एक तरीका होता है पीई रेशियो वाला, तो अगर पीई रेशियो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एमपीएस बाई पीई, एमपीएस डिवाइड बाई पीई। और हमें जो फॉर्चून फार्मा है उसका देखो हमें एमपीएस पता है, ये दे रखा है ना 24.5, और उसका पीई भी हमें पता है 25, तो हमने इधर 24.5 डिवाइड बाई 25 लिख दिया, तो अपना इधर ईपीएस निकल गया। अब ईपीएस को हमने इससे डिवाइड कर दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना निकल गया, 1500 लाख निकल के आ गया। तो हमने कितने शेयर हमने मतलब इशू किया, 1500 लाख हमने नंबर ऑफ शेयर से इशू किया, क्योंकि हमने सारे शेयर किसको इशू किए हैं, फॉर्चून इंडिया को लिमिटेड के, किसी बाहर वाले को इशू नहीं किए हैं, यानी जितने भी हमारे शेयर्स हैं वो सारे के सामने फॉर्चून इंडिया को लिमिटेड किए हैं। तो हमारे शेयर्स हैं कितने, 1500 लाख, यानी 1500 लाख ही हमने किसको इशू किए होंगे, फॉर्चून इंडिया को हमने शेयर इशू कर दिए होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने, 1500 लाख डिवाइड बाई 3000 लाख इज इक्वल टू 1:2, यानी फॉर्चून इंडिया के अगर दो शेयर्स किसी शेयर होल्डर के पास दो शेयर हैं तो उसको हमने एक शेयर अपना इशू किया है। अब हमें जो एफएमसीजी जो कंपनी है फॉर्चून इंडिया एफएमसीजी वाली, उसका हमें एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पता करना है। अच्छा, तो देखो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम जनरली यहाँ से निकालते हैं, मार्केट प्राइस को पी रेशियो से, पी रेशियो को अगर से मॉडिफाई कर दो तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, पीई इंटू ईपीएस। अब पीई तो हमें पता है 42, ठीक है, बट ईपीएस हमें पता नहीं है कि फॉर्चून जो इंडिया लिमिटेड है उसका ईपीएस है कितना। अच्छा, ईपीएस को निकालने के तरीके तो पता ही है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस आ जाएगा। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें पता है और नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना, 11,400 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नंबर ऑफ शेयर्स 3000 लाख, वो हमें पता ही है। तो यहाँ से ईपीएस निकाला गया, इसको डिवाइड करोगे तो इनटू पी कर दोगे तो एमपीएस निकाला गया, तो एमपीएस कितना निकल गया, 159.6। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि डीमर्जर के इमीडिएटली बाद की इन दोनों कंपनीज मतलब फॉर्चून इंडिया लिमिटेड और फॉर्चून फार्मा लिमिटेड, इन दोनों की हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है। क्या निकालनी है, पर शेयर, ठीक है, सिर्फ बुक वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर। तो देखो बुक वैल्यू का फॉर्मूला तो पता ही है सबको, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू बुक वैल्यू। अब इधर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो दे नहीं रखे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं देखा, हाँ डेफर्ड टैक्स दे रखा है बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं देखा। क्या हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दे रखा। रिजर्व सरप्लस दे रखा, नहीं दे रखा। तो मतलब जो बुक वैल्यू है हमें असेट साइड से निकालनी पड़ेगी, लायबिलिटी साइड वाली बुक वैल्यू तो फेल होगी, असेट साइड से बुक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जो असेट साइड की जो बुक वैल्यू, असेट साइड से जब हम बुक वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, और असेट्स में से हम ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम असेट को काउंट करते हैं। तो यानी लायबिलिटी साइड से तो बुक वैल्यू नहीं निकल सकती, बट असेट साइड से निकल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज और असेट्स हैं। तो अगर हम असेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दें तो देखो हमारी नेटवर्थ या फिर बुक वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की आ गई हमारे पास बुक वैल्यू, और एक फॉर्चून फार्मा की आ गई। अब फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की जो फिगर्स हमने उठाई है वो कौन सी है, डीमर्जर से ठीक एक दिन पहले की है, तो यानी इसमें फार्मा और एफएमसीजी दोनों की बुक वैल्यू मिली हुई होगी। तो और जो फार्मा है उसकी अगर हम बुक वैल्यू इसमें से माइनस कर दें तो हमें एफएमसीजी की बुक वैल्यू निकल आएगी। तो देखो दोनों की बुक वैल्यू निकल के आ गई दोनों कंपनीज की, बट हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए इसलिए हम इनको इनके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 21,000 24,000 बुक वैल्यू आ गई, ये देखो है ना 21,000 24,000। अब इनके नंबर ऑफ शेयर 1500 लाख और 3000 लाख से डिवाइड कर दे तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 14 और 8 रुपये।